बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक हंगामी सूरत हाल है। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हालिया बारिशों ने अंदरून सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। हमारे बहन भाई खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और हमारी आमद के मुंतज़िर हैं। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पिछले 3 हफ्तों से इनकी खदमात वक्तन फवक्तन किए जा रहा है। मैं यहाँ पर आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो बेसहारा लोग हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं, आप लोगों के तावुन के मुंतज़िर हैं। आज सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो भी बड़ा काम कर पा रहा है वो यकीनन आप लोगों के तावुन से ही मुमकिन है। मैं सबसे पहले यहाँ पर शान फूड्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को राशन प्रोवाइड किया जो कि हम उन इलाकों में पहुँचाएँगे। इसी के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डालडा कंपनी का, जिन्होंने हमें बहुत ही बड़ी क्वान्टिटी में कुकिंग ऑयल दिया है। मोहम्मद अली टब्बा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब भी मुल्क पाकिस्तान पर कोई भी आफत आई या कोई भी बुरा वक्त आया तो मोहम्मद अली टब्बा साहब आगे आए और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने में आगे आगे रहते हैं हमेशा। मैं आप तमाम लोगों से आखिरी बार बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का बढ़ चढ़ कर साथ दें। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को आप आटा दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं। हमें इस वक्त इन चीज़ों की बहुत 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 ज़्यादा अशद ज़रूरत है। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों टन जो है राशन की मद में चीज़ें वहाँ पर रवाना की जा रही हैं। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मज़ीद आपकी इमदाद का मुंतज़िर है ताकि आप लोगों की अमानतें हम लोग उन लोगों तक पहुँचा सके जो कि इस वक्त खुले आसमान के नीचे हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगेबान। कड़ा वक्त आए खड़े साथ हो, हम भी सैलानी के हाथ में हाथ हो, बांट ले सब के दुख दर्द मिलकर सभी, प्यार शफकत अकीदत की सौगात हो।